TennisCricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। माही पाटिल मैडम, नगर अध्यक्ष मुरुड, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कोपरा गुरु की तरफ से उन्होंने यहाँ पे आके ताउन किया है। सर पहिला चेंडूवर मोठा फटका, हा आहे मात्र हल्ला माणगाव विरुद्ध वहूर विरुद्ध माणगावचा। 6 धावांनी मात्र सलमान याचं स्वागत होतंय षटकाराने फलंदाज दीपू माळी याच्याकडनं, आणि 6 धावांनी धाव ४९ धावा धावपलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात। 5 चेंडूंचा खेळ बाकी, दीपू माळी पुन्हा एकदा सज्ज। यावेळी मात्र यॉर्कलेन पद्धतीचा चेंडू कोदून काढला जातोय, ऑनसाइडच्या दिशेने फटका। पहिल्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षक गोडचूक करतोय, क्षेत्ररक्षकाची गोडचूक चौकारामध्ये परावर्तित होते। 4 धावांचा इशारा येतोय आणि चौकाराने आता मात्र धावसंख्या परावर्तित 43 धावा। किस्मत साथ देती है बहादुरों का असं म्हटलं जातं, आणि यावेळी मात्र किस्मत साथ देते, फलंदाजाला चौकार मिळतोय आणि 4 धावांनी धावसंख्या परावर्तित 43 धावा। 69 धावांचा पाठलाग, आता सामना खऱ्या अर्थाने रंगतोय। यावेळी मात्र हेलिकॉप्टर फटका, चेंडू जाईल डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा फार, खणखणी स्टँड ऑन डिलिव्हर फटका, दीपू माळी ऑन फायर सिक्सर। ४९ धावा धावपलकावर, 69 धावांचा पाठलाग, म्हणजे 9 चेंडू आता मात्र बाकी आणि विजयासाठी 20 धावांची अजूनही आवश्यकता। 9 चेंडू आणि 20 धावा, दोन मोठे तगडे फटके सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा प्रतीक करतायत, ते म्हणजे राज 11 माणगाव क्रिकेट संघ, गतवर्षीचा विजेता याही वर्षी अंतिम फेरीला गवसणी घालण्याची क्षमता ही या खेळाडूंमध्ये, आणि तेच दाखवण्याचा प्रयत्न फलंदाज दीपू माळी याचा। यावेळी मात्र पुन्हा एकदा खणखणीत फटका, चेंडू जाईल 6 धावांसाठी आणि 6 धावांनी आता मात्र टॉप गिअर मध्ये रनसंख्या परावर्तित होते ती 55 या आकड्यावर, 69 धावांचा पाठलाग। थँक्यू डीजे। और जो विकेट गेंदबाज रफ्तार के साथ फिर एक बार विश्वजीत ऑन साइड की दिशा में, इस बार सफर हुए दीपू माळी ऑन फायर। यस, टाइगर रवि जिंदा है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, और जो अकेले रहने का साहस दिखाता है वही यहां पर धुरंधर कहा जा सकता है। मैदान के ऊपर दीपू माळी अभी भी मौजूद, और 6 रन के साथ आगाज किया अपने आक्रामक बल्लेबाजी का। 6 रन के साथ रन संख्या 7 के ऊपर परावर्तित विश्वजीत ठाकुर के खिलाफ निश्चित रूप से माणगांव क्रिकेट टीम की। और दो विकेट गेंदबाज जावेद फिर एक बार पटकी हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में, इस बार सफल हुए। फाइन लेग रीजन में गेंद निकली, गेंद ने दिशा बदली और गेंद निकली डीप फाइन लेग सीमा रेखा पार, दीपू की बल्ले से चौकार। गेंदबाजी का प्रदर्शन चाहे वो विश्वजीत ठाकुर हो, जावेद हो, और इस दोनों खिलाड़ियों गेंदबाजों के पीछे यहां पर गेंदबाज तुषार रणदेवे तीसरा ओवर लेकर। लो फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में, ताकतवर स्ट्रोक, अब मात्र गेंद जाएगी, दर्शक बनकर रह गए खिलाड़ी, स्टैंड ऑन डिलीवर, टिप मिड विकेट 6 रन।